बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन असरात, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसे कदीमी नाश्ता के बारे में बताएंगे जो मैदा के अपार को दुरुस्त करके ज़िंदगी को नई तवानाई देता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर शुरू करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कदीमी नाश्ते के मुतल्लिक बताएंगे कि जो मैदे को तंदुरुस्त और तवाना बनाता है और उसके जुमला अमराज को ख़त्म करता है। तो नाज़रीन किराम, कब्ज़ की दवा और टोटके हर उस इंसान की ज़रूरत बन जाते हैं जो कब्ज़ की गिरफ्त में आ जाता है। इस हवाले से इत्तिबा का कहना है कि जिन लोगों को कब्ज़ का मर्ज़ हो, दूध हज़म ना कर सकते हों, आंतों की हरकत सुस्तों, जिस्म में काहली और सुस्ती और इन्हें नजरा जुकाम ज़्यादा लाहिक होता हो, ब्लड प्रेशर रहता हो, वो ब्लड प्रेशर कम होता हो या ज़्यादा होता हो, तो ऐसे अफराद के लिए आज एक ज़बरदस्त नाश्ता लेकर हाजिर हुए हैं। अगर वो इस नाश्ते को अपना लें तो सुबह इस नाश्ते को करें तो इंशाल्लाह वो इन तमाम अमराज से सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो निजात पा लेंगे। तो इस नाश्ता के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं वो ये हैं: बादाम की गिरियाँ 15 अदद, किशमिश छोटी 20 दाने। ये आपके नाश्ता के अज़ा हैं जो आपने सुबह के वक्त करने हैं। तो इसको करना है किस तरह है कि आपने रात को बादाम की गिरियों को भिगो देना है और सुबह उठकर इनको छील लें और किशमिश छोटी के 20 दानों के साथ दूध पत्ती के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर उनकी आंतों का जो कुदरती फेल है वो शुरू हो जाएगा और बदन में तवानाई है वो आएगी और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कब्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। ये जो नाश्ता है ये बदन का टम्परेचर मामूल पर ले आता है। अरसा कदीम से ये नुस्खा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जिन्हें नींद का मसला हो उनके लिए ये पीर बहादुर इलाज है। तो इस नुस्खा को ज़रूर आजमाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।